इनेलो और बसपा गठबंधन के बाद जारी कार्यकर्ता मिलन समारोह की कड़ी में सोमवार को फतेहाबाद स्थानीय जाट धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए दोनों दलों के बड़े नेता, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले मिलकर गठबंधन की बधाई दी और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में एकजुटता के साथ एक तरफा जीत दर्ज करने का संकल्प भी लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को इनेलो किसान प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति, फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने मुख्य रूप से संबोधित किया। दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमेरा और किसान मिलकर लुटेरों को सत्ता से बेदखल करेंगे। इसके लिए दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाने का अभियान चलाएंगे। लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का पवित्र गठबंधन हुआ है। माननीय बहन मायावती जी चौटाला साहब के नेतृत्व में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोनों पार्टियों का मधुर मिलन समारोह कह सकते हैं, हम इसको इंट्रोड्यूसिंग मीटिंग कह सकते हैं, वो हमने की है। 300-400 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपसी तालमेल बनाएंगे, मिलकर के काम करेंगे और ये मान के चलें कि अगली सरकार हरियाणा के अंदर गठबंधन की परफॉर्म करेंगे। देश के अंदर जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि दलित की बेटी प्रधानमंत्री हो उसके लिए राष्ट्र, कमज़ोर लोग गठबंधन किया करते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यूपीए ने जब सरकार चलाई तो 18 दलों को साथ लेके चलाई थी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई और मोदी जी चला रहे हैं तो भी अन्य दलों को साथ लेकर चला रहे हैं। गठबंधन की ज़रूरत है। कांग्रेस को किस बात का फ़ायदा होगा? जो 6 कांग्रेसों में बटी हुई कांग्रेस है, आपस में जूतम प्रचार करते हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष को पीट दिया जाए क्या उस पार्टी में कोई डिसिप्लिन रह जाता है? और जहाँ डिसीशन पहले वाला स्टैंड है, इनेलो तो हमेशा ये कहती है कि ज़रूरतमंद को आरक्षण मिले, आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, ये पहले भी कहते हैं, अब भी उसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दोनों दलों का जो मिलन हुआ है, ये दलों का नहीं, हम इसको दिलों का मिलन मानते हैं और दिल से मिल करके काम करेंगे। सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, इनेलो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, अभी भी डिबेट था, उसमें जेटली साहब मेरे सामने थे, वो भी कह रहे थे ऐसी कुछ बातें। मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र की परिभाषा इस सरकार के लोगों को मार्ग। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।